बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता दें, जीतन सैनी हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और मुख्य आरोपी का नाम काजी अंसारी है, जिसने जीतन सैनी की हत्या की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा, पैसे के लेन देन में हत्या की बात कही जा रही है। और ये देखिए तस्वीर, देखिए ये तस्वीर है काजी अंसारी की तस्वीर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसी पर आरोप है जीतन सैनी की हत्या का। आप बता दें, मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्याकांड का पुलिस की टीम ने खुलासा कर लिया है और बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की गई। और काजी अंसारी जिस पर आरोप है यही है, देखिए ये शख्स, इसी पर आरोप है जिसने निर्मम तरीके से हत्या की थी। और बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी पुलिस की टीम ने कर ली है, आगे की पूछताछ जारी है। और आपको बता दें, न्यूज 18 संवाददाता विपिन अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ये बड़ा खुलासा, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, और क्या डिटेल जानकारी? जी बता दूं कि ये दरभंगा पुलिस की बड़ी सफलता है, जिन्होंने कासिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। और कासिम अंसारी का सारा खेल सीसीटीवी फुटेज ने ही खत्म कर दिया, चूंकि जिस तरह से कासिम अंसारी हत्या की रात पहुंचता है घर में और घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। लेकिन बता दूं कि ये कासिम अंसारी एक तरह जो जीतन सैनी है, जिन मृतक हैं, उनसे ये पैसा उधार लिया था ब्याज पर, 4% ब्याज ये दे रहा था। पहले 1 लाख रुपया 2022 में लिया, फिर 2023 में 50,000 रुपया लिया और लगातार इससे ब्याज 4% ब्याज जो है उछला जा रहा था, जिससे ये परेशान था। कपड़ा व्यवसायी था, कपड़ा का दुकान था, वो भी बंद हो चुका था इसका। ये चाहता था जीतन सैनी से कि हमें कर्ज माफ कर दिया जाए और कर्ज या तो कम कर दिया जाए या माफ कर दिया, जिस पर जीतन सैनी राजी नहीं थे और यही कारण हत्या का निकला। जिसके बाद इसने वो कागजात, जो कागजात जमीन का कागजात ये बंधक दिए हुआ था उस रुपये के बदले, वो लेने के लिए और वो चुराने के लिए ये उनके घर में अन्य साथियों के साथ प्रवेश किया था। लेकिन जीतन सैनी से इन कमरे में घुसते ही, प्रवेश करते हैं, जीतन सैनी सामने पड़ गए और दोनों में कहासुनी शुरू हो गई, और जिसके बाद जो है चाकू से वार करके जीतन सैनी की हत्या कर दिया और खुद फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और जो अन्य साथी इनके हैं उसकी भी तलाश की जा रही है। अभी भी हमारी जो बात हुई है ग्रामीण एसपी जो काम्या मिश्रा है, लगातार जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। जी काजी अंसारी के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है विपिन, के वहाँ का ही रहने वाला था वो? कासिम अंसारी सुपौल बाजार का ही रहने वाला था और कपड़ा का दुकान चलाता था ये, और यहीं का, चूंकि इनका इसका पैतृक घर भी सुपौल बाजार में ही है, तो यहीं का रहने वाला था, उनके घर के बगल का ही ये कासिम अंसारी था। ठीक है विपिन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पुलिस की टीम ने ये बड़ा खुलासा कर लिया है और देखिए जीतन सैनी की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। और इसमें आपको बता दें कि अब पुलिस की टीम ने काजी अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या के बाद इंडिया ब्लॉक की ओर से 20 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या ने विरोधियों को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक और मौका दे दिया है। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता है। खुद तेजस्वी यादव ट्वीट कर बिहार सरकार को घेरते हैं। समूचा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि बिहार में कहाँ है शासन और प्रशासन। बुधवार को पटना में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में पार्टी दफ्तर में बैठक की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ने सरकार की कड़ी निंदा की। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ 20 जुलाई को विपक्ष बिहार के सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालेगा और विधानसभा के शुरू होने वाले सत्र में भी अपराध को मुद्दा बनाएगा। जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा
तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते, क्या कर लीजिए 42 से 22 उन्होंने घटाया, और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो रहे हैं। 2005 का ही हमारा राज वापस कर दो। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष की ओर से विरोधियों को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि वारदात के 14 घंटे बाद तेजस्वी यादव की नींद टूटी, जबकि मुकेश सहनी से देश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने फौरन फोन पर बात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि SIT की टीम तमाम एंगल से जाँच कर रही है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर रहेगा। सहित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुरंत संवेदना व्यक्त करके संपर्क कर रहे थे, लेकिन आप 14 घंटे के बाद आपको नींद जगा, यह तो निश्चित रूप से यह बताता है कि आप राजनीतिक सामंत हैं। अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, रावजी जी की सरकार थी, RJD की सरकार थी। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को विपक्ष मुद्दा बनाता है तो सरकार में शामिल लोग पहले के जंगल राज की याद दिलाकर सियासी वार पर पलटवार करते रहते हैं। ऐसे में सवाल यही कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल आखिर कब तक मचता रहेगा। News 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, विपक्ष जो है सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 19 जुलाई को अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की। अब आप इस पूरे मामले को समझिए, बढ़ते अपराध पर कैसे अंकुश लगेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। बिहार में अपराध एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, वारदात की घटनाओं पर विपक्ष हमलावर है, सरकार से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछे जा रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। 20 जुलाई को विपक्ष आक्रोश मार्च निकाल रहा है। आपको बता दें कि RJD पर जंगल राज के हमेशा आरोप लगते रहे हैं, अब RJD नीतीश सरकार पर राक्षस राज का आरोप लगा रहा है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सबसे पहले राक्षस राज का जिक्र किया था, इस शब्द का इस्तेमाल किया था। जंगल राज के आरोपों पर RJD अब पलटवार कर रहा है और साथ ही साथ बिहार में क्राइम को लेकर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के अलावा नौकरी के मुद्दे को लेकर भी चाल चली थी, युवाओं को लाखों नौकरी का वादा भी मंच से किया था, और RJD के शासनकाल को बेरोजगारी का दौर कहा जाता रहा है, यानी कि RJD के शासनकाल में जो है बेरोजगारी ज्यादा थी, ये आरोप NDA की तरफ से लगाया जाता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात कहकर उससे भी निकलने की कोशिश की है, जनता को संदेश देने की कोशिश है कि हम बिहार के लिए बेहतर कर रहे हैं। तो दो मुद्दों को लेकर अब सरकार को घेरा जा रहा है और अब विपक्ष जो है इसको लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है प्रदर्शन के लिए।